गले लगने और गले पड़ने का क्या मतलब होता है वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे तुर्की पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करना भारी पड़ गया। पीएम मोदी की नकल तो छोड़िए, शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति के कान में जो बात कही वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। ये बात भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। तुर्की में एर्दोगान ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शहबाज शरीफ ने तुर्की पहुंचने से पहले सपना देखा होगा कि जैसे हर जगह पीएम मोदी का स्वागत होता है, ठीक वैसा ही स्वागत उनका तुर्की में होगा। आखिर तुर्की तो पाकिस्तान का बड़ा भाई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को देखकर शहबाज शरीफ के दिमाग में वो तस्वीर घूम रही होगी जब पीएम मोदी बैठे थे और अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीछे से आए और पीएम मोदी को गले लगा लिया, हंस हंस कर बातें की। लेकिन शहबाज शरीफ का सपना टूटकर ऐसे बिखरा कि वो आज तक उसे समेट नहीं पाए हैं। एर्दोगान से गले मिलने का इंतजार कर रहे शहबाज शरीफ के साथ देखिए क्या हो गया। सबसे पहले तो एर्दोगान ने मायूसी वाले चेहरे के साथ शहबाज शरीफ का स्वागत किया, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ को गले भी नहीं लगाया। ये सब देख शहबाज शरीफ एर्दोगान के गले ही पड़ गए। इसके बाद भी एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इतनी बेइज्जती के बाद शहबाज शरीफ को लगा कि एर्दोगान के कान में एक बात बतानी चाहिए जिससे उनका मूड ठीक हो जाए। शहबाज शरीफ ने एर्दोगान के कान में कहा कि वो पाकिस्तान से उनके लिए आम लेकर आए हैं, आम एक बैग में रखे हैं और 10 दिन बाद वो एर्दोगान को आम का दूसरा डब्बा भी भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने एर्दोगान को कहा कि आधे आम उनकी बेगम के हैं। एक बार ये बातचीत सुनिए। तुर्की में आम लेकर पहुंचे शहबाज शरीफ के मुंह पर एर्दोगान ने गुठलियां फेंक दी। चलिए कोई नहीं, गले पड़ने वाले शहबाज शरीफ को अब देखना चाहिए कि गले मिलना क्या होता है।